फोर्ब्स ने बुधवार को ऐसी सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की जिनकी मौत हो चुकी है लेकिन उनके नाम से कमाई अब भी हो रही है। इस लिस्ट में पॉप सिंगर माइकल जैक्सन एमजे टॉप पर हैं, जबकि एल्विस प्रिस्ले को दूसरे नंबर पर रखा गया है। इस लिस्ट में शामिल टॉप 10 लोगों में 5 म्यूजिशियन हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 25 जून 2009 को मौत होने के बाद से अब तक 9 साल में माइकल जैक्सन के नाम पर $2.4 बिलियन 17,110 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। सिर्फ 2018 में एमजे के नाम पर कुल आमदनी $400 मिलियन 2,935 करोड़ रुपए रही। दूसरे नंबर पर मौजूद एल्विस प्रिस्ले की मौत 40 साल पहले हुई थी। इसके बावजूद हर साल उनके करीब 10 लाख एल्बम बिकते हैं जिससे $40 मिलियन 293 करोड़ रुपए की कमाई होती है। 2017 की लिस्ट में एल्विस प्रिस्ले चौथे नंबर पर थे। नई लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद गोल्फर अर्नाल्ड पामर 2017 के मुकाबले एक पायदान खिसके हैं। उनके नाम से 2018 में $35 मिलियन 256 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। फोर्ब्स ने चौथे नंबर पर कार्टूनिस्ट चार्ल्स कल्ज को रखा है जिनकी कमाई $34 मिलियन 249 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2017 की लिस्ट की तरह पांचवें नंबर पर म्यूजिशियन बॉब मार्ले को रखा गया है। 2018 में उनकी कमाई $23 मिलियन 168 करोड़ रुपए रही। इसके अलावा $16 मिलियन 117 करोड़ रुपए कमाई के साथ लेखक डॉक्टर सियूस को छठे नंबर और $15 मिलियन 110 करोड़ रुपए के साथ मीडिया मुगल हिपनर को सातवें नंबर पर रखा गया है। मार्लिन मुनरो $14 मिलियन 102 करोड़ रुपए कमाई के साथ आठवें नंबर पर हैं। वे इस लिस्ट में शामिल एकमात्र महिला सेलिब्रिटी भी हैं। $13 मिलियन 95 करोड़ रुपए के साथ म्यूजिशियन प्रिंस को 9वें और $12 मिलियन 88 करोड़ रुपए कमाई के साथ जॉन लेनन को 10वें नंबर पर हैं।